फाइनेंस फॉर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जब हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ये आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है इन एन इकोनॉमी अगर जब हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के शेयर की बात करें इन टोटल आउटपुट इट इज अराउंड थर्टी परसेंट जब आप शेयर ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करो इन टोटल एम्प्लॉयमेंट इट इज अराउंड फिफ्टी परसेंट फिर अगर आप बात करें शेयर ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इन टोटल इन्वेस्टमेंट तो इट इज़ अराउंड टेन परसेंट तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है

1970, लेकिन आफ्टर 1970 क्या हो गया दिस शेयर ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस डिक्लाइन टू 18% इन 1979 और उसके बाद ये हो गया आपके पास 3.5% इन 2004 कि जो आपके पास शेयर ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस था ये आपके पास 18% था इन 1979 लेकिन इन ईयर 2004 इट रीचेस टू 3.5% फिर जब आप विद इन एग्री बेस्ड डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करोगे जो शेयर है आपके पास पब्लिक एक्सपेंडिचर्स का दैट इज ऑन एग्रीकल्चर दैट इज ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम सेवन इन एटी टू फोर परसेंट इन टू थाउजेंड फोर जब हम लेकिन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइज प्रोडक्टिविटी एंड प्रोड्यूस पॉवर्टी लेकिन जब आप फाइनेंसिंग बाई फंडिंग एजेंसीज की बात करो फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तो यहां पे जो मेजर फोकस रहा है दैट इज टूवर्ड द इरीगेशन के लार्जेस्ट सिंगल कंपोनेंट ऑफ लैंडिंग बाई दर्ड कैंप वर्ल्ड बैंक द और बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इन द इगेशन सेक्टर इट अलाउज द एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन एंड मोर इंटेंसिव कल्टीवेशन बिकॉज ऑफ दैट इरीगेशन इट हैज मेजर इंपैक्ट ऑन द राइस एंड प्रोडक्शन इन एशिया फिर उसके साथ साथ इट आल्सो रिजल्ट्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन इसकी वजह से क्या हुआ कि देर इज रिड्यूस इन मार्केटिंग एंड सप्लाई बॉटल फिर उसके साथ साथ आपके पास जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन थी इस पर भी जब आपकी फाइनेंसिंग इट इन हुईल्टूव प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर के हम एक चीज देख सकते हैं कि कैरिंग आउट फाइनेंसिंग इट हैज सम पॉजिटिव ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर अब हमने जो यहाँ पे सारी डिस्कशन की वो हमने बात की विद रेफरेंस टू वर्ल्ड बैंक लेकिन आपके पास देर आर अदर फंडिंग एजेंसीज टू दैट इज कैरिंग आउट फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट रिजल्ट्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन और

इट हेल्प इन द इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या यहां पर अगर वो इवन इरीगेशन साइड पे गई या कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्टिलाइजर प्लांट्स के रेफरेंस में हुआ या वहां पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के रेफरेंस में हुआ ऑल दिज कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड द इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी और जब आपके पास इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा देर इज इंप्रूवमेंट इन दी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ दीपल लिविंग इन रूरल एरियाज और आपके जो फार्मर्स की हैं उनकी आप कहें परचेजिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी लेकिन अगर ये सारे आपके पास जो आपके पास एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर ये सब ना हो तो आपके पास जो इंटरनल सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री हैं वो क्या होंगे वो यूजुअली आर लिमिटेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलपिंग कंट्रीज आर रिसोर्स के जब आपके पास ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं होगी फॉर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर तो उसकी वजह से क्या होगा देयर ए सम लिमिट ऑन द डिपमेंट इन अगर मैं इस सारे को आप कह लें एक समराइज कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि जो आपके पास फाइनंसिंग है इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज वो क्यों होगी दैट इम्प्रूवमेंट इन इंप्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और जब आप ये इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी किन के लिए बेटर बेटर लाएगी इट विल ब्रिंग बेटर लेकिन जो आपके पास अदर रूरल कम्युनिटी में लोग होंगे उनकी आप कह लें ये जो फाइनेंसिंग हो गए इट विल्प दिल ऑल्सो हेल्प द रिडक्शन ऑफ देयर पॉवर्टी टू बिकॉज ऑफ द स्पिल ओवर इफेक्ट दैट द एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर है अदर कम्युनिटी में रूरल एरियाज